जय श्री राम। प्रिय भक्तों, सभी भक्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। होली की रात को अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं दुखों को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए। हम भी आज आपको एक ऐसा ही उपाय भी बताएंगे और मंत्र जप भी बताएंगे, जिसके करने के बाद अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है, आर्थिक कष्ट सहना पड़ता है या आप कर्ज से परेशान हो, तो आपको ये सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। देखो, होली की रात को जब चंद्रमा निकल जाए तो आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आपको क्या करना है, पानी में दूध, शक्कर और थोड़े से चावल मिलाकर उसको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और जब आप अर्घ्य दें तो आपको ये भावना रखनी है कि सामने विष्णु, लक्ष्मी और सूर्य ही हैं, और बिल्कुल ये भाव रखें कि मेरे सामने विष्णु भगवान बैठे हैं। और आपको उस दिन खीर भी बनानी है। खीर बना करके होली की रात को दूध और चावल की खीर बनानी है और उसका भी चंद्रमा को भोग लगाना है। फिर आप एक जगह पे वहीं बैठ जाएं चंद्रमा की रोशनी में। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जप करें, ध्यान करें अपने गुरु का। और गुरु मंत्र आपने धारण के पास नहीं है तो आप अपने इष्ट के देव, इष्ट देव का नाम का जप करें या जिस भी भगवान को मानते हैं उसका नाम का जप करें। गीता में भगवान ने कहा, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं ही हूँ। अगर आप गीता की ये बात याद रखेंगे तो दुख और कर्जे की ताकत नहीं कि आपके सिर पर बना रहे, निश्चित ही आपके दुख और कर्ज समाप्त होंगे। कोई भी प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।